हेलो गाइस, माय सेल्फ हिमांशु धवन, आपका न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। जो आज एक्सरसाइज लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ थायराइड के बारे में। थायराइड बहुत मेजर दिक्कत है, बहुत ज़्यादा ही मेजर दिक्कत है, बट लोगों को समझ नहीं आता थायराइड में दिक्कत कहाँ आ रही है, कहाँ से उनको वो प्रॉब्लम दिखनी चालू हुई है। प्रॉब्लम थायराइड में चालू होती है, आपके गले में एक ग्लैंड होता है जिसे बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। तो वो थायराइड ग्लैंड की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी है कि आपके अंदर के मैकेनिज्म को, डाइजेशन के मैकेनिज्म को कंट्रोल करना। अगर थायराइड के उस मैकेनिज्म में अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, थायराइड ग्लैंड वो पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा, वहीं पर हम देखते हैं उन पेशेंट्स में थायराइड की वजह से वेट गेन होना चालू हो जाता है और कुछ को वेट लॉस होना चालू हो जाता है। तो इसी वजह से एक थायराइड का एक स्पेसिफिक एक एक्सरसाइज प्लान होना चाहिए हर एक इंडिविजुअल के लिए कि वो आराम से अपने थायराइड को कंट्रोल कर सके, मैनेज कर सके। इसी के लिए मैं एक आपको सेटअप लेकर आया हूँ जो मैंने पिछले अपनी एक्सरसाइज में बताया था, वार्म अप एक्सरसाइज और उसके बाद कुछ और एक्सरसाइज, उसके साथ साथ कुछ एक और अपग्रेडेड मॉडल थायराइड में जो लेकर आया हूँ वो आपके सामने लेकर आया हूँ। इसको आप यूज़ कीजिए अपने डेली रूटीन में, लेकर आइए, जिसकी वजह से आपका थायराइड जल्दी कंट्रोल में हो जाएगा, जल्दी आप मैनेज कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी क्या है, सबसे पहले सुबह उठना है, आपने सरसों का गर्म तेल लेना है, हल्का सा गर्म, नो ज़्यादा गर्म नहीं लेना, हल्का सा गर्म ऑयल लेना है। उसको अपने नेक पे इस तरीके से मसाज करना है। उसको मसाज करने के बाद जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। स्टार्ट विथ एक्सरसाइज। Thank you.
देखो, अब मैं बात करने जा रहा हूँ, ये तो हो गया एक्सरसाइज का पोर्शन है। अब हमें चाहिए डाइट भी ऐसी कि जो हमारे थायराइड को मैनेज कर पाए। तो थायराइड को मैनेज करने के लिए हमको क्या खाना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, मैं उसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। कि आपने अपनी लाइफ में ग्रीन वेजिटेबल्स को छोड़ दो, क्योंकि बहुत सारे जो आप थायराइड के पेशेंट जो होते हैं वो ग्रीन वेजिटेबल्स इनटेक तो करते हैं, बट उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से थायराइड में आप ग्रीन वेजिटेबल्स और स्प्राउट्स को थोड़ा अवॉइड कीजिए। बाकी सब आप कुछ भी खा सकते हैं, आप कद्दू खा सकते हैं, टिंडे खा सकते हैं, और साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो और खा सकते हैं। अगर आप अपने लिए कुछ एक सलाह लेना चाहते हैं, एक एडवाइस लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको थायराइड मैनेज करने में आसानी हो, तो आप बिल्कुल फ्री रहिए। आप आराम से हमारे डॉक्टर्स को कॉल करके अपना डाइट प्लान, अपना मैनेज कैसे कर सकते हैं थायराइड को, और साथ साथ और इसके साथ वो आप क्या चीज़ खाएं क्या चीज़ ना खाएं उसके बारे में भी जान सकते हैं। जो नीचे दिए गए नंबर पर उस पर कॉल करके आराम से अपने लिए प्लान डाइट मंगवा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको और कोई इसके साथ प्रॉब्लम रेज होती है, या आप बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो, आपसे एक्सरसाइज या आसन होना भी मुश्किल हो रहा है, तो आप एक और काम कर सकते हैं। हमारे पास एक फाइबर डाइट शेक है, जो हर एक पीसीओडी का पेशेंट हो, चाहे वो थायराइड का पेशेंट हो, चाहे फिर ओवर वेट का पेशेंट हो, उनमें भी वो इतना मेजर रोल अपनाता है कि जिसकी वजह से आप आराम से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि इसके आगे वाली अपग्रेडेड एक्सरसाइजेस को भी आपको बताने में मेरे को आसानी होगी। सो थैंक यू वेरी मच।